निर्माण के आधार पर हम फलों को फिर से तीन भाग में बांटते हैं कि फल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सरल फल किसे कहते हैं? वैसा फल सरल फल कहलाता है, सिंपल फ्रूट कहलाता है, कि जब एक फूल से एक फल बने तो उसे हम कहते हैं सरल फल। यानी एक फूल से एक फल बनेगा तो सरल फल। जैसे आप केला, ये अमरूद देख सकते हैं, अमरूद में एक फूल लगेगा और एक फूल से वही अमरूद धीरे धीरे बड़ा होगा, पूरा बड़ा सा अमरूद बन जाएगा। तो एक फूल लगा और एक फूल से एक ही अगर फल लगता है तो उसे कहते हैं सरल फल। आम भी देखेंगे, जितना ज्यादा मोजर लगेगा उतना ज्यादा आम खिलेगा, जितना कम मोजर लगेगा उतना ही कम आम होगा। तो एक फूल से एक फल निकला तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल फल। अब समूह फल क्या होता है? एक ही फूल खिलेगा और उससे कई ज्यादा फल लग जाएंगे, एक के फूल से कई ठो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समूह फल। पूरे ग्रुप में रहते हैं सब। इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा, समूह फल का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या आ जाएंगे सर? रस भरी, जिसके आप मक्को कहते हैं, एक फूल लगेगा कई ठो जाते हैं सर। मदार, जिसको आकरा कहते हैं ना, मदार बचपन में आप लोग देखते होंगे, भुआ उड़ के जाता होगा, इसका पेड़ एक फूल लगेगा उसमें कई सारे फल लग जाते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी फूल एक ठो लगते हैं और उसी एक फूल से कई ठो स्ट्रॉबेरी निकल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूह फल। अब देखिए तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है ना, संग्रथित फल। संग्रथित फल के बारे में समझिए, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम आपको बताए थे कि फल का निर्माण जब भी होता है तो वो अंडाशय में होता है और बाकी की चीजें झड़ के गिर जाती हैं। लेकिन वैसा फल जिसमें फल का निर्माण तो होता है लेकिन बाकी के जो बाह्य दलपुंज है बाहर का कैलिक्स और कोरोला, ये झड़ते नहीं बल्कि उसी फल में बाहर से चिपक जाते हैं, जिससे कि उस फल का छिलका बहुत ही मोटा हो जाता है। तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। तो संग्रथित फल में आपको अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज भी भाग लेने लगता है तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कटहल हो जाएगा। कटहल के फल का छिलका बहुत मोटा होता है। अनानास, ये भी होता है संग्रथित फल, इसके छिलके बहुत ही मोटे होते हैं, बाहर से कई बहुत मोटी परत होती है।